हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अभय कुमार एक बार फिर हाजिर हूँ अपने नए टॉपिक के साथ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कॉज ऑफ एक्सीडेंट्स। एक्सीडेंट होने के कारण क्या हैं वो मैं आज डिस्कस करूँगा। मैं अपना जो स्लाइड शेयर किया है आप देख सकते हैं, जो पहला यहाँ पे है कॉज ऑफ एक्सीडेंट्स, एक्सीडेंट होने के कारण क्या हैं। मैं अपने टॉपिक को एलोब्रेट करूँ उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करेगा, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें ताकि मैं आपको और भी वीडियो बना के लेके आऊं। तो आज का जो टॉपिक है वो है कॉज ऑफ एक्सीडेंट, एक्सीडेंट होने के कारण क्या हैं। तो सबसे पहले एक्सीडेंट होने का जो फिलॉसफी है वो है अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन। ये जो आपको एरिया दिख रहा है, जो मेरा कर्सर यहां पे आ रहा है, देखिए ये है अनसेफ एक्ट और ये है अनसेफ कंडीशन। अनसेफ एक्ट क्या है? कोई भी एक्ट जो कोड ऑफ कंडक्ट या मेथोलॉजी के अनुसार नहीं है और उससे किसी तरह का नुकसान होने का चांस बनता है, किसी तरह नुकसान होने का प्रोबेबिलिटी बनती है, उसको हम अनसेफ एक्ट कहते हैं। कोई भी कंडीशन जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर के अनुसार नहीं है, जो मेथोलॉजी के अनुसार नहीं है और किसी तरह का नुकसान होने का संभावना बनता हो, उसको हम अनसेफ कंडीशन बोलते हैं। ये दोनों जहां मैच करते हैं वो होता है एक्सीडेंट जो प्रोन एरिया या एक्सीडेंट पोटेंशियल उसको बोलते हैं, एक्सीडेंट होने का जो मेन कारण होता है, जब ये दोनों मिलते हैं उसको हम अनसेफ एक्ट बोलते हैं। जैसा कि एक एग्जांपल यहां पे दिया हुआ है, कोई लैडर है, कोई सीढ़ी है जो टूटा हुआ है, वो क्या है? कंडीशन है, स्थिति है। कोई मशीन है जो अनगार्डेड है, गार्ड नहीं किया गया, कवर्ड नहीं है, वो क्या है कि अनसेफ कंडीशन है। और कोई पर्सन जो टूटा हुआ सीढ़ी है और उसको ही यूज कर रहा है, कोई पर्सन जो टूटा हुआ सीढ़ी है उसको यूज कर रहा है, वो होता है अनसेफ एक्ट। कोई पर्सन जो मशीन गार्डेड नहीं है, जो मशीन गार्डेड नहीं है और उसको यूज कर रहा है, उसको बोलते हैं अनसेफ कंडीशन। जब कोई पर्सन ऑलरेडी लैडर टूटा हुआ है और उसको यूज कर रहा है तो क्या कर रहा है? एक्सीडेंट होने का चांस है वहां पे बढ़ जाएगा, एक्सीडेंट होने का चांस वहां सबसे ज्यादा है। देखिए यहां पे क्या होता है, इसको बोलते हैं हम प्रिवेंटेबल और ये नॉन प्रिवेंटेबल। और प्रिवेंटेबल मतलब क्या है? 98% ये ह्यूमन द्वारा किया जाता है, ये एक्सीडेंट है ये ह्यूमन द्वारा किया जाता है, आदमी के ही द्वारा किया जाता है। और ये दो परसेंट होते हैं वो नेचुरल होते हैं, ठीक है। तो कोई भी काम जो ह्यूमन करता है, ठीक है, उसको एक्ट बोलते हैं और जहां पे किया जाता है वो कंडीशन होता है। लेकिन एक चीज और इसमें समझने की बातें हैं कि कोई कंडीशन किसी ह्यूमन के द्वारा ही प्रोवाइड किया जाता है, कोई कंडीशन कोई ह्यूमन के द्वारा ही प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि पिछला स्लाइड में हमारा था कि कोई ब्रोकन लेडर है, तो लेडर ऑटोमेटिक तो टूटा नहीं होगा, वो किसी ना किसी आदमी के द्वारा यूज किया गया होगा और तोड़ा गया है और फिर वैसे रख दिया गया है। तो क्या हुआ, उसने एक्ट किया। लेकिन अगर वैसे ही छोड़ के जा रहा है तो किसी के लिए कंडीशन बन जाएगा। अनगार्डेड मशीन, कोई मशीन है जो गार्डेड नहीं है, वो क्या है कि वो कंडीशन है। लेकिन कंडीशन बनाया किसने? किसी ना तो उसको किया होगा कि वो गार्ड नहीं रखा होगा, उसको बोलते हैं अनगार्डेड। लेकिन वो अनसेफ एक्ट किसी के लिए कंडीशन बनेगा। तो अगर एक्ट हम प्रॉपरली कंट्रोल कर पा रहे हैं तो हम कंडीशन को भी कंट्रोल कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।